हरे दीपान, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेड कोर्सेज। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज रहती हैं कि मैम कोर्स में क्या क्या मिलेगा, ये बेनिफिट हमें कब तक अवेल होगा, तो भाई इस वीक जो है आप लोगों के लिए एक भारी भरकम डिस्काउंट अवेल कराया गया है, जो कि आपको कैसे मिलने वाला है, क्या चीजें होंगी जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, उसी से रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ में किस किस कोर्स पे डिस्काउंट रहने वाला है, कितने दिन डिस्काउंट रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि इस पूरा वीक, ये जो है आप लोगों के लिए फेस्टिवल वीक ऑफर है, पूरा वीक आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है। तो 11th ऑफ अगस्त से लेके 18th ऑफ अगस्त तक आप लोगों को जो है डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको 20% डिस्काउंट है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको 40% डिस्काउंट है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्ञान 20 कैपिटल में ज्ञान 20 कोड यूज करेंगे, जो कि हर एक कोर्स के ऊपर अवेलेबल होगा। तो ज्ञान 20 कोड को यूज करके आप लोग जो है ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट है, मींस जिन्होंने पहले से कोई कोर्स लिया हुआ है, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है 40% डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन वो 40% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता करना है 9467744666, ठीक है, कि कैसे आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, ये पूरा कोर्स, ये डिस्काउंट, ये सब कहाँ मिलेगा भाई, ये मिलेगा उसके लिए आपको यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर जो आईफोन यूजर या सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं, पीसी से एक्सेस करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो हैं वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर से यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन आप अपने कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब उनमें आपको कोर्स कौन कौन सा मिलेगा, एनवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस, DSSB पीजीटी कंप्यूटर साइंस, HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग, एस्टेट दिसंबर 2022 के लिए, तो ये सभी बैचेस जो हैं एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने DSSB वाला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाला है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म डाल दे, अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी मिनिमम क्वालिफिकेशंस है तो, ठीक है। क्वालिफिकेशन और एज से रिगार्डिंग हम पहले काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं, आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अब उसके बाद बात आती है, स्टूडेंट्स को रहता है मैम इस कोर्सेज में हमें क्या क्या मिलेगा। साथ में कुछ स्टूडेंट्स को जो एनवीएस और DSSB वाला कोर्स ले रहे हैं कि मैम उनमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो भाई एस्टेट का और HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग का, इन दोनों की जो फर्स्ट क्लास है, इन दोनों की जो फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया गया है कि आप लोगों को क्या क्या इस कोर्स में मिलने वाला है। तो वो सभी स्टूडेंट जो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए या एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वहां से फर्स्ट क्लास को देख ले। रही बात एनवीएस और DSSB की, उसका एक तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, फिर भी एक अलग से कि हाँ ये सब्जेक्ट्स वहां पे कवरअप होंगे, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दी जाएंगी, ठीक है। अब इन कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो मोस्ट ऑफ रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन क्यों रखा है, पहले हमारा ये कोर्स जो है लाइव कोर्स था। भाई बहुत बार ऐसे अर्जेंट वर्क आ जाता है कि भाई लाइव क्लास नहीं हो पाती है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जब लाइव क्लास अवेल नहीं हो पाती है तो इससे अच्छा है कि हम क्लासेस रिकॉर्डेड दे दें, देन उसके बाद हम डिस्कशन लाइव क्लास में कर लें। तो ये एक अलग बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि सपोज आपका मन कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का है, आपको वो सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट पहले करना है, तो वो चीजें यहाँ पे सारी रिजोल्व हो जाती हैं। आपको सारी क्लासेस जो है एज अ रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है, और जो डाउट सेशन रहता है वो आपका लाइव रहता है, वो आइदर सैटरडे और संडे आपको ये डाउट सेशन जो है वो मिलेगा, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सैटरडे संडे फ्री होते हैं, तो भी सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। और ये जो रिकॉर्डेड क्लास है, ये पहले ऑलरेडी लाइव क्लासेस थी, तो इसीलिए इनमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की सभी क्वेरीज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड है। तो फिर भी जो भी डाउट होता है वो हम सैटरडे संडे में कवर करेंगे। साथ में
पीडीएफ नोट्स। अब वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो है अपने खुद के नोट्स बनाया करो, जब तक खुद के नोट्स से नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों को वो इंटरनली वो फीलिंग नहीं आती कि मैं कहाँ से क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा है, क्योंकि जब अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाते हैं तो एक अलग से हमें पढ़ने में मजा आता है, वो चीजें हमें याद होती हैं, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते भाई जो वर्किंग है, नहीं टाइम मिल पा रहा है उन्हें नोट्स बनाने का, तो उन सभी के लिए जो है पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, एप्लीकेशन पर ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के जो जो क्लासेस होते हैं उन क्लासेस को एज ए पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी पीजीटी एग्जाम के, पीजीटी एग्जाम, पीजीटी स्क्रीनिंग है, डी ट्रिपल एस भी है, केवीएस है, एनवीएस है, एपीएस है, आपका एस्टेट है या फिर नेट लेवल है, ये सभी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप लोगों को दिए जाएंगे, पहले आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आप खुद से सॉल्व करके देखें, देन क्लास के अंदर या तो लाइव क्लास के अंदर या फिर आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसा भी होगा, जैसा भी सुटेबल होगा वो हम देख लेंगे। देन उसके साथ ही मॉक टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप लोगों को 2, 4, 6 जितना भी पॉसिबल हो पाएगा उतनी मॉक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारा कंटेंट आपको एक ही कोर्स में मिलने वाला है, एक नॉमिनल अमाउंट के साथ मिलने वाला है, और अच्छा खासा ऑफर भी चला हुआ है इस पूरा वीक। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट जो हैं जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर लें और अपनी स्टडी को आज से अभी से ही कॉन्टिन्यूसली पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम आ जाता है, हमारे पास टाइम होता है लेकिन हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, हम सोचते हैं थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, चलो अभी ये ओकेजन है इसके बाद पढ़ेंगे, अब ये आ गया अब फिर पढ़ेंगे, तो ऐसे करते करते हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम को वेस्ट मत करो, जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, चाहे आपके पास जितना आपको टाइम मिल पाता है 2 घंटे 3 घंटे जितने भी आर की स्टडी आप दे पाते हैं, जितना आप मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं उतना टाइम निकालें और डेली स्टडी करें, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें भाई, ऐसा ना करें कि आज पढ़ लिए देन नेक्स्ट वीक आप पूरा भी कैसे ही निकाल दिया, स्टडी ही नहीं किया। तो डेली पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है, तभी आप लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, तो उसमें आपको फर्दर ये अलग अलग कॉलम्स मिलने वाले हैं, पेड कोर्सेज, फ्री क्लासेस। तो पेड कोर्स के अंदर आपको फर्दर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फ्री क्लासेस में बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई गई हैं, जो कि हमारे क्रैश कोर्सेज थे, यूजीसी नेट का था 30 डेज क्रैश कोर्स, यूजीसी नेट एग्जाम का 30 डेज क्रैश कोर्स था। तो भी जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक और बेनिफिट है, यूजीसी नेट का 30 डेज क्रैश कोर्स प्लस में प्लस सभी ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 2018 से लेके 2021 तक के सभी शिफ्ट के, सभी ईयर मतलब हर ईयर के 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक पेड कोर्स है 110 अमाउंट, एक नॉमिनल अमाउंट है जिसको आप परचेज करके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद आंसर के विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। देन फ्री क्लासेस में नेक्स्ट आपको एस्टेट का जो हमारा 30 डेज क्रैश कोर्स था वो मिलने वाला है, डी ट्रिपल एस बी की जो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट किया था विद इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया था, वो सब मिलने वाला है। पेड कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, पेड कोर्स आपको ये पेड कोर्स मिलने वाले हैं, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एस्टेट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी स्क्रीनिंग और यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस। तो ये सभी के सभी पेड कोर्सेज अवेलेबल है। देन जब आप इन कोर्सेज को फर्दर उस कोर्स को उस एक पर्टिकुलर कोर्स को जब आप एक्सेस करते हैं तो उसमें आपको फर्दर एक सब्जेक्ट का कॉलम मिलता है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के फोल्डर बना रखे हैं, तो उन सब्जेक्ट के फोल्डर से भी आप उनके अंदर एक एक क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन क्लासेस को एक्सेस करके भी देख सकते हैं कि कैसा किस टाइप का आपको कंटेंट मिलने वाला है, आपको प्रॉपर पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। अब रही बात, बड़े सारे काफी सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मैम आप सिलेबस क्या जो आपने करा दिया क्या उसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाई ऐसा नहीं होता है, टीचर का काम होता है आपको गाइडेंस देना, मेरा काम है आप लोगों को वो टॉपिक्स वो सब्जेक्ट्स कवर कराना जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, जिनके बारे में आपको ये नहीं पता कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस देना, आपको उन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट ट्रिक्स बताना, आपको उनके कंसेप्ट्स बताना, ताकि जब भी एग्जाम आए एग्जाम में आप उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को कर पाए। लेकिन उसके साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा,
रिविजन करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो है 80-90% हर एक एग्जाम से रिगार्डिंग, चाहे कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम से रिगार्डिंग 80-90% सिलेबस आपको इस पूरे कोर्स में फुल फ्लेज मिलने वाला है। अगर आप 80-90% में से 60-70% भी कर लेते हैं अच्छे से, तो भी आपका एग्जाम बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस में 80-90% सिलेबस आपको मिलने वाला है। उसके साथ ही अगर हम बात करें DSSBC वाला कोर्स या NVS PGT कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स, इन कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको अवेल कराए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट क्लास में मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं कौन कौन से टॉपिक्स कराऊंगी। यहाँ पे मैं फर्दर सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, C++, COA, पाइथन, HTML, VB, XML, CSS, जावा, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, इनसे अलग अगर कोई रह गया हो तो आप बता देना एक बार कमेंट करके कि मैम वो सब्जेक्ट रह गया, वो आप कराओगे या नहीं कराओगे। आई होप ये सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं। और रही बात PGT स्क्रीनिंग की, तो वो कोर्स बिल्कुल अलग है। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग, CN रह गया भाई, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वो कोर्स बिल्कुल अलग है। उसमें थोड़ा एडवांस लेवल है, पूरा नेट भी नहीं कह सकते कि हाँ आप नेट, लेकिन उससे आपको नेट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हमने वहां पे थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में कराया गया है, क्योंकि PGT स्क्रीनिंग में सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चंस की जो है जो एवरेज से थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हमने और भी अलग से, जैसे टीओसी है कंपाइलर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये कुछ सब्जेक्ट्स अलग हैं जो कि आपको HSSC PGT स्क्रीनिंग वाले कोर्स में अवेल कराए जाएंगे। तो आई होप ये जो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप लोगों का डाउट था वो आप लोगों का कवरअप हो गया होगा। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, देन भाई आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये फोन नंबर है 9467774466। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जो 20% डिस्काउंट जो न्यू एनरोलमेंट स्टूडेंट है उनको ज्ञान 20 कोड यूज करना है, 40% डिस्काउंट जिनको चाहिए वो दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके पता करें कि किस तरीके से आप लोग डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। फुल कोर्स आपको दिया जा रहा है एक नॉमिनल अमाउंट के साथ, आपको डिस्काउंट भी अलग से दिया जा रहा है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है आज से और अभी से ही करना शुरू कर दें। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो टाइम पास करना है तो छोड़ो, लेकिन अगर एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उससे रिगार्डिंग अगर आपको पढ़ना है, तो भाई अच्छे से मेहनत करिए, ताकि कुछ टाइम अगर आपकी मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से मिले, और अगर मेहनत नहीं होगी तो रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा। तो होप सो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। फर्दर अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक शेयर करना ना भूले। उसके साथ ही अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ, न्यू क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच।